हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज का टॉपिक होगा हमारा शैडवेल एंड ड्राइडन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से स्टार्ट हुआ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे कि शैडवेल एंड ड्राइडन के बीच में राइवलरी कैसे शुरू हुई, तो उसी के बारे में आज स्पेसिफिकली वीडियो बनाई है। राइट, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चार चीज़ें फिर से इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। एक तो ये है कि आप इंग्लिश लिटरेचर की जो मैंने MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई है उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। सेकंड, आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हो। थर्ड, आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। और जो भी मैंने अभी चीज़ें बताई, इन तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इन 1671 शैडवेल रेफर्ड टू ड्राइडन एज इज पर्टिकुलर फ्रेंड इन द प्रेफेस टू द ह्यूमरिस्ट्स। देखिए, ये वर्क जो है द ह्यूमरिस्ट्स, ये वर्क है शैडवेल का और ये एक कॉमेडी है। राइट, इस वर्क के प्रेफेस में शैडवेल ने ड्राइडन को अपना फ्रेंड मेंशन किया था। सो दैट मींस यहाँ पे तो हम क्या पढ़ रहे हैं शुरुआत में, कि इन दोनों की फ्रेंडशिप थी। ओके, फिर बाद में क्या होता है कि 1674 में एल्कना सेटल अपना एक वर्क प्रोड्यूस करते हैं, एम्प्रेस ऑफ मोरोको। अब ये वर्क कुछ राइटर्स को पसंद नहीं आता, जिसमें से हैं ड्राइडन, शैडवेल एंड जॉन क्राउन। तो इन तीनों ने मिलकर एल्कना सेटल के इस वर्क पर अटैक किया। ओके, ही जॉइंड क्राउन एंड ड्राइडन इन एन अटैक ऑन एल्कना सेटल्स वर्क दैट इज एम्प्रेस ऑफ मोरोको इन 1674 एंड अगेन इन 1679। तो देखिए, इन तीनों ने मिलकर, ड्राइडन, जॉन क्राउन एंड शैडवेल ने मिलकर एल्कना सेटल के इस वर्क पर दो बार अटैक किया, एक तो 1674 में, फिर दोबारा 1679 में। लेकिन इनको दोबारा से इस वर्क पर अटैक करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, हुआ ये था कि जब एल्कना सेटल ने इस वर्क को प्रोड्यूस किया, तो इसके अगेंस्ट इन तीनों ने मिलकर, जॉन क्राउन, ड्राइडन एंड शैडवेल ने मिलकर एक एब्यूजिव पैम्फलेट निकाला, एंड दैट एब्यूजिव पैम्फलेट एंटाइटल्ड एज नोट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द एम्प्रेस ऑफ मोरोको। ओके, तो नोट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द एम्प्रेस ऑफ मोरोको ये किसने लिखा था, इन तीनों ने मिलकर लिखा था 1674 में, और एम्प्रेस ऑफ मोरोको के अटैक में लिखा था। अब ऑब्वियसली बात है, एल्कना सेटल के वर्क के अगेंस्ट एक अब्यूजिव पैम्फलेट आता है, तो एल्कना सेटल भी रिप्लाई करेंगे। तो एल्कना सेटल ने फिर रिप्लाई किया इन तीनों के अगेंस्ट, इन्होंने रिप्लाई करके अपने वर्क को एंटाइटल किया सम नोट्स एंड ऑब्जर्वेशन ऑन द एम्प्रेस ऑफ मोरोको रिवाइज्ड। राइट, तो जब एल्कना सेटल ने रिप्लाई किया ना, तब फिर से ड्राइडन, जॉन क्राउन एंड शैडवेल ने मिलकर 1679 में फिर से अटैक किया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक ही चीज़ समझते हैं कि अभी तक भी शैडवेल एंड ड्राइडन के बीच में एक फ्रेंडशिप देखने को मिलती है। ड्राइडन कंट्रीब्यूटेड अ प्रोलॉग टू शैडवेल्स वर्क ट्रू विडो। हमने लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि ट्रू विडो ये जो वर्क है, शैडवेल ने चार्ल्स सैडले को डेडिकेट किया था। तो इस वर्क का प्रोलॉग में कंट्रीब्यूशन दिया था ड्राइडन ने। ओके, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि शैडवेल का जो फर्स्ट वर्क है ना, द सलन लवर्स और इम्पर्टिनेंट्स, उसमें शैडवेल ड्राइडन के व्यूज़ के अगेंस्ट लिखते हैं। बट इन द प्रेफेस टू शेडवेल्स फर्स्ट प्ले 1668, ही हैड रिटन इन अपोजिशन टू द व्यूज दैट रिसेंटली एक्सप्रेस्ड बाई ड्राइडन इन हिज ओन वर्क एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। ड्राइडन का जो ये वर्क है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, तो ड्राइडन ने जो भी इस वर्क में अपने व्यूज डाले हैं, जो भी थॉट्स डाले हैं, वो शेडवेल को पसंद नहीं आए। तो इसीलिए शैडवेल ने अपने फर्स्ट वर्क में ड्राइडन पर रिमार्क किया बाय राइटिंग ओपोजिट व्यूज। ओके, और इन्होंने अपने फर्स्ट वर्क के प्रेफेस में ड्राइडन के अगेंस्ट लिखा। आफ्टर दिस ही स्नियर्ड एट कंटेम्प्रेरी ड्रामेटिस्ट्स इन हिज वर्क द वर्चुओसो। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट वीडियो में भी ये बात की थी कि
शैडवेल कोर्ट विट के एक फेवर्ड मेंबर थे और ये लोगों पर ताने कसा करते थे, अपने फेलो राइटर्स की इंसल्ट किया करते थे। तो इसी वजह से इन्होंने अपने इस वर्क में, द वर्चुओसो में भी, कंटेम्प्रेरी जितने भी राइटर्स थे इनके, उनके अगेंस्ट लिख डाला, उनको स्नियर कर डाला। स्नियर का मतलब होता है इंसल्ट करना। अब इसके बाद ड्राइडन को ये चीज़ फील हो जाती है कि जितने भी ये शैडवेल ने रिमार्क किए हैं वो ड्राइडन की राइटिंग के अगेंस्ट किए हैं, एंड स्पेसिफिकली जो ड्राइडन का वर्क है औरंगज़ेब, उनके बारे में किए हैं, इस वर्क के बारे में किए हैं। अब ऑब्वियसली ड्राइडन भी चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन अभी तक भी ड्राइडन ने ओपनली ऐसा कुछ अगेंस्ट शैडवेल के लिखा नहीं, तो ये कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में ओपन लड़ाई नहीं चल रही थी। देयर वॉज हाउएवर नो ओपन फ्यूड अंटिल 1682 तक इन दोनों के बीच में ऐसी कोई ओपन लड़ाई नहीं चल रही थी, ऑल्दो इन दोनों को पता लग गया था कि एक दूसरे की इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है। शैडवेल्स फ्रेंडशिप विद ड्राइडन एंडेड विद पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ 1678 एंड 1679। मिड 1678 एंड 1679 के टाइम पर पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया था, एंड दो पार्टी जो विग एंड टोरीज थे, इनकी आइडियोलॉजीज डिफरेंट थी, तो इनके बीच में बहुत सारा क्राइसिस देखने को मिला, एंड शैडवेल एंड ड्राइडन की पॉलिटिकल पार्टी भी डिफरेंट थी, तो इसी वजह से इनके बीच में राइवलरी शुरू हुई। प्लस एक जो मेजर रीज़न है ना, वो ये है कि शैडवेल जो है वो बेन जॉनसन को अपना गुरु मानते थे, राइट? मतलब बेन जॉनसन का जो जॉनरा था ना, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, उसको फॉलो करते थे, और ये चीज़ ड्राइडन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। व्हेन शैडवेल एस्पाउज्ड द विग कोज एंड प्रोड्यूस्ड लैंकाशायर विचेस, दिस वर्क कोज्ड ऑफेंस विद एंटी पेपिस्ट प्रोपेगेंडा एंड अटैक्स अपॉन एंग्लिकन क्लर्जी। सिंस शैडवेल वॉज एंटी पेपिस्ट, एंटी कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट, तो इसी वजह से शैडवेल ने एक वर्क लिखा अगेंस्ट एंग्लिकन क्लर्जी, और इस वर्क में द लैंकाशायर विचेस, इस वर्क में एंटी पेपिस्ट प्रोपेगेंडा था, जिस वजह से पॉलिटिकल पार्टीज़ में एक टर्मोइल स्टार्ट हो गया था, एक टर्बुलेंस देखने को मिला था। अब इसके बाद क्या होता है, पहले तो यहाँ पर बात करते हैं कि इनके रीज़न क्या थे, इनके बीच में लड़ाई के रीज़न क्या थे। द ईशू वॉज पार्टली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेज एंड ओपिनियन ओवर ड्रामेटिक टेक्निक, जैसा कि मैंने बताया कि जो ड्राइडन थे वो बेन जॉनसन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन शैडवेल बेन जॉनसन को अपना रेवरेंस देते थे, मतलब शैडवेल बेन जॉनसन को अपना गुरु टाइप मानते थे, ओके, अपना मास्टर मानते थे। अभी हमने जो एक वर्क देखा द लैंकाशायर विचेस, इस वर्क में शैडवेल के जो थॉट्स थे वो थे एंटी पेपिस्ट। अब इसके बाद ड्राइडन चुप नहीं रहने वाले थे, तो ड्राइडन ने भी शैडवेल पर खूब सारे सेटायर्स लिखे। शैडवेल ने जब लैंकाशायर विचेस लिखी अगेंस्ट टोरीज, तो यहाँ पर ड्राइडन ने रिप्लाई किया बाय राइटिंग द मेडल, जिसमें इन्होंने एक प्रोज भी लिखा, एन एपिस्टल टू द विग्स, और ये जो वर्क था शैडवेल एंड विग पार्टी के प्लेराइट्स के अगेंस्ट था, और इन्होंने यहाँ पर विग पार्टी की आइडियोलॉजी को मॉक किया। देन शैडवेल ऑल्सो रिप्लाइड विद हिज वर्क द मेडल ऑफ जॉन बेज एंड अ प्रोज एपिस्टल टू द टोरीज। अब जब ड्राइडन ने मेडल एंड एपिस्टल टू द विग्स लिखा, तो इसी बात पर शैडवेल ने रिप्लाई किया बाय राइटिंग दीज वर्क, द मेडल ऑफ जॉन बेज एंड एक प्रोज लिखा एपिस्टल टू द टोरीज अगेंस्ट ऑल द टोरीज प्ले राइट्स एंड ड्राइडन एज वेल, इन विच शैडवेल लाइबल्ड ड्राइडन एज अबैंडन रास्कल, हाफ विट एंड हाफ फूल। तो शैडवेल अपने इस वर्क में ड्राइडन को इन एब्यूजिव नेम से बुलाते हैं। आफ्टर दिस शैडवेल अगेन अटैक्ड ऑन ड्राइडन इन हिज वर्क द टोरी पोइट्स। अब इसके बाद शैडवेल दोबारा से ड्राइडन पर अटैक करते हैं और ये वर्क लिखते हैं द टोरी पोइट्स इन 1682, बट इन्होंने ये वर्क ओटवे की कंपनी में लिखा था, इनके कोलैबोरेशन में लिखा था, एंड अदर राइटर्स भी थे जो माइनर थे, बट आपको यहाँ पर ओटवे का नाम याद रखना है। इसके बाद ड्राइडन कहाँ चुप बैठने वाले थे, ड्राइडन ने भी जो शैडवेल है उनके अगेंस्ट खूब से टायर लिखे,
एंड ही गेव शेडवेल्स पर्सनैलिटी विद इंटरेस्ट. ड्राइडन ऑल्सो टुक रिवेंज इन मैकफ्लेग्नो. सॉरी, मैकफ्लेग्नो का पूरा जो टाइटल है दैट इज़ अ सेटायर ऑन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोइट थॉमस शेडवेल. 1682 में इसको प्रोड्यूस किया गया था. देखिए, ड्राइडन ने मैकफ्लेग्नो में भरपूर, ये कह सकते हो कि पूरा मतलब रिवेंज लिया था. इट वॉज रिटन इन मिड 1670s. इट कंसिस्ट ऑफ डेवास्टेटिंग अटैक ऑन विग प्लेराइट शेडवेल. शेडवेल के अगेंस्ट ड्राइडन ने मैकफ्लेग्नो में लिखा था. एंड आफ्टर दिस वर्क शेडवेल्स रेपुटेशन सफर्ड एवर सिंस, बिकॉज शेडवेल को इतने बुरी तरीके से ड्राइडन ने मॉक किया था और अपना रिवेंज लिया था. एंड इन्होंने, ड्राइडन ने शेडवेल को कहा लास्ट ग्रेट प्रॉफेट ऑफ टोटोलॉजी. टोटोलॉजी का मतलब है जो अपनी बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं. तो यहाँ पर ये शेडवेल को नॉनसेंस बुलाते हैं और कहते हैं कि ये बार बार अपनी बात को रिपीट करते हैं. सो ही इज़ द ग्रेट प्रॉफेट ऑफ टोटोलॉजी, जिसमें सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है. तो यहाँ पर इस तरीके से ड्राइडन शेडवेल को मॉक करते हैं. और इसके बाद, इस वर्क के बाद, मैकफ्लेग्नो के बाद, शेडवेल की रेपुटेशन में हमें एक टर्बुलेंस देखने को मिलता है. When after a month later, Dryden wanted to write the second part of Absalom and Achitophel. So, in completion of this work, he took the help of Nahum Tate. So, that means कि Nahum Tate के collaboration में Dryden ने Absalom and Achitophel का second part लिखा. Where under the name of Og, he described Shadwell as a drunken mass of foul, corrupted manner and ridicule his poverty and his habit of taking opium. In this work, Dryden refer Shadwell as the name of Og, and he also refers Elkanah Settle as the name under Doeg. ठीक है, important है ये ध्यान रखना. Shadwell को Og and Elkanah Settle को Doeg कहकर बुलाया है इस work में. ठीक है, तो ड्राइडन जो है वो इन दोनों को ही रिडिक्यूल करते हैं, शेडवेल को भी, एल्कना सेटल को भी. एंड शेडवेल की जो हैबिट है ड्रग वगैरह लेने की एंड उनकी पॉवर्टी के बारे में बात करते हैं. तो इनका इस तरीके से ड्राइडन मजाक उड़ाते हैं. इन दिस वर्क ड्राइडन मेड द फॉलोइंग कटिंग रेफरेंसेज टू बोथ शेडवेल एंड एल्कना सेटल. एंड ही सेज टू फूल्स दैट क्रच their feeble senses into verse. यहाँ पर two fools किसको refer किया है? Dryden ने यहाँ पर Shadwell and Elkanah Settle को two fools कहा है. And he wants to say that these two fools convert their feeble sense or convert their illogical things into verses, and they have poor lack of knowledge about classics and about writings. तो यहाँ पर directly ये कहते हैं कि इन दोनों के जो thought हैं, जो ये लिखते हैं, ये illogical होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पर इनको two fools कहकर Dryden refer करते हैं. उसके बाद इन द फॉलोइंग ईयर शेडवेल एंड थॉमस हंट दे बोथ कोलैबोरेटेड एंड अटैक्ड ड्राइडन इन द प्ले कॉल्ड ड्यूक ऑफ गाइज इन 1683. तो शेडवेल एंड थॉमस हंट ड्यूक ऑफ गाइज लिखते हैं और इस वर्क में ये ड्राइडन पर अटैक करते हैं. अब ड्राइडन चुप रहने वालों में से तो थे नहीं, तो ड्राइडन ने भी अटैक किया. ड्राइडन ने भी रिस्पॉन्स किया इस वर्क के अगेंस्ट. In response to this, Dryden retorted in the vindication of the Duke of Guise. तो जैसे ही शेडवेल एंड थॉमस हंट ने Duke of Guise लिखा, उसी के रिस्पॉन्स में ड्राइडन ने vindication of the Duke of Guise लिख दिया. और इसमें शेडवेल की पर्सनैलिटी को रिडिक्यूल किया है. एंड यहाँ पर ड्राइडन शेडवेल की ड्रिंकिंग हैबिट्स और उनकी जो ओपियम लेने की हैबिट थी, मतलब जो ड्रग्स या अफीम लेने की हैबिट थी, उसको रिडिक्यूल किया है. एंड प्लस ड्राइडन रिडिक्यूल द इग्नोरेंस ऑफ शेडवेल अबाउट द क्लासिक्स एंड द क्लासिक नॉलेज. व्हेन ड्राइडन पोर्ट्रे एल्कना सेटल एज डूअर्क एंड शेडवेल एज ओग, एट दैट टाइम शेडवेल वॉन्टेड टू गिव अ विटी रिप्लाई इन रिस्पॉन्स टू ऑल द अटैक्स दैट हैज़ बीन मेड बाई ड्राइडन. तो यहाँ पर शेडवेल एक वर्क जो है वो लाते हैं, वो लिखते हैं, जुविनल्स टेंथ सटायर.
एंड डेडिकेटेड दिस ट्रांसलेशन टू चार्ल्स सैडले. ये एक ट्रांसलेटेड वर्क है और इन्होंने इस वर्क को डेडिकेट किया चार्ल्स सैडले को, बट इस वर्क में इन्होंने ड्राइडन पर अटैक किया है. एल्कना सेटल ऑल्सो ट्राइड टू रिप्लाई टू ड्राइडन एज वेल. तो एल्कना सेटल लिखते हैं एब्सलोम सीनियर और अकीटोफेल ट्रांसपोज्ड, ठीक है, 1682 में ये वर्क लिखते हैं अगेंस्ट ड्राइडन. एंड एक पैम्फलेट लिखते हैं 1687 में, रिफ्लेक्शन ऑन सेवरल ऑफ मिस्टर ड्राइडन्स प्लेज. तो देखिए, आपको ये दोनों वर्क याद रखने हैं जो एल्कना सेटल ने लिखे हैं. एंड ये कह सकते हो कि ड्राइडन ने जितने भी सटायर एल्कना सेटल पर लिखे हैं, तो एल्कना सेटल ने बाय राइटिंग दीज टू वर्क ही ट्राइड हिज बेस्ट, और ही ट्राइड हिज बेस्ट टू गिव द विटी रिप्लाई टू ऑल द अटैक्स दैट हैज़ बीन मेड बाय ड्राइडन. After an interval of years, Shadwell produced one of his best plays, that is The Squire of Alsatia. अब यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि जो ये एक दूसरे पर satirical thing लिखने वाला जो system था वो ख़त्म हो गया था. अब यहाँ पर Shadwell जो है उन्होंने अपना एक work लिखा जो बहुत famous हुआ, The Squire of Alsatia. अब यहाँ पर बताया है कि जैसा कि हमने बात भी की थी कि ड्राइडन पहले पोइट लॉरिएट थे, फिर इनके बाद 1689 में ड्राइडन से पोइट लॉरिएटशिप छीन कर ये पोजीशन शैडवेल को दे दी गई थी. ऑल एंड ऑल मैं यहाँ पर आपको समअप करके बता देती हूँ फटाफट से. पहले तो शैडवेल एंड ड्राइडन दोनों फ्रेंड थे, तो शैडवेल जो अपने एक वर्क द ह्यूमरिस्ट में ड्राइडन को अपना फ्रेंड भी मेंशन करते हैं, और फिर ये कोलेबोरेशन में सटायर करते हैं अगेंस्ट एल्कना सेटल वर्क दैट इज एम्प्रेस ऑफ मोरोको. फिर उसके बाद जब ड्राइडन अपना एक वर्क प्रोड्यूस करते हैं एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, तो ड्राइडन के व्यूज़ शैडवेल को बिल्कुल पसंद नहीं आते, तो शैडवेल अपने पहले वर्क के प्रेफेस में ड्राइडन के अगेंस्ट लिख देते हैं. फिर दोबारा से ये एक और वर्क निकालते हैं 1676 में, द वर्चुओसो, उसमें भी ये ड्राइडन के अगेंस्ट लिखते हैं. फिर जैसा कि आपको पता है कि टोरी और विग के बारे में हमने बात की, तो ड्राइडन एक टोरी थे और शैडवेल विग पार्टी से बिलोंग करते थे. तो ड्राइडन जो तो शैडवेल जो हैं वो एक वर्क लिखते हैं द लैंकेशायर विचेस, जो कि टोरीज के अगेंस्ट होता है. अब यहाँ पर जो ड्राइडन है वो रिप्लाई देना स्टार्ट करते हैं उन सभी अटैक का जो शैडवेल ने ड्राइडन के अगेंस्ट किए हैं. तो ड्राइडन यहाँ पर लिखते हैं द मेडल, फिर इसका रिप्लाई शैडवेल करते हैं बाय राइटिंग द मेडल ऑफ जॉन बेस. फिर उसके बाद जो शैडवेल जी हैं इनको फिर भी चैन नहीं आता, तो फिर ये क्या करते हैं, ड्राइडन के अगेंस्ट एक और वर्क लिख देते हैं द टोरी पोइट्स. पर इस टाइम शैडवेल ये वर्क अकेले नहीं लिखते, ये ओटवे की कंपनी में ये वर्क को कंप्लीट करते हैं द टोरी पोइट्स को. अब ड्राइडन ने भी अपना रिवेंज लिया, ड्राइडन ने फिर मैकफ्लेक्नो लिख डाला, और मैकफ्लेक्नो के बाद एब्सलोम एंड अकीटोफेल लिख डाला विद द कोलैबोरेशन ऑफ नहूम टेट. फिर इसके अगेंस्ट या इसके रिस्पॉन्स में शैडवेल ने ड्यूक ऑफ गाइज लिख डाला. अब ड्राइडन ने भी ड्यूक ऑफ गाइज के अगेंस्ट अपना रिस्पॉन्स दिया बाय राइटिंग विंडिकेशन ऑफ द ड्यूक ऑफ गाइज. तो ड्राइडन ने जब विंडिकेशन ऑफ द ड्यूक ऑफ गाइज लिखा, उसके बाद शैडवेल ने जुविनल टेंथ सटायर लिख डाला, और एल्कना सेटल ने ड्राइडन के अगेंस्ट एब्सलोम सीनियर एंड अकीटोफेल ट्रांसपोज्ड लिख डाला, एंड एक पैम्फलेट रिफ्लेक्शन ऑफ सेवरल ऑफ मिस्टर ड्राइडन्स प्लेज इन 1687 से प्रोड्यूस किया गया था. तो ये दो वर्क एल्कना सेटल ने लिखे. तो ऑल एंड ऑल जो ये एक दूसरे पर सैट्रिकल थिंग्स लिखने वाला जो ये सिस्टम था ये चलता रहा. बाद में जाकर जो है ये थोड़ा जो मामला है वो ठंडा पड़ गया, और शैडवेल ने द स्क्वायर ऑफ अल्सेशिया लिखा जो कि इनका बहुत ज़्यादा फेमस वर्क था. फिर बाद में ड्राइडन की जो पोइट लॉरिएटशिप थी वो छीन कर, वो रिमूव करके शैडवेल को दे दी गई. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा आज का टॉपिक. अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. दिस साइड प्रियंका गौर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन. थैंक यू सो मच.